और देहरादून से बड़ी खबर है, जहां छात्रों पर लाठीचार्ज के मामले में शासन को रिपोर्ट सौंपी गई है। कमिश्नर गढ़वाल ने शासन को रिपोर्ट सौंपी है, गृह विभाग को पूरी घटना की जानकारी दी है। युवाओं पर लाठीचार्ज को उन्होंने सही ठहराया, कानून व्यवस्था के लिहाज से बल प्रयोग किया गया। शहर कोतवाली प्रभारी, LIU प्रभारी, चौकी प्रभारी के ट्रांसफर की सिफारिश की गई, जल्द ही पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई हो सकती है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जो देहरादून के घंटा घर में जब छात्र प्रदर्शन कर रहे थे, CBI जांच की मांग कर रहे थे परीक्षा भर्ती घोटाले को लेकर, उस दौरान जब हंगामा हुआ, पथराव हुआ, पुलिस ने लाठीचार्ज किया, तो उसकी रिपोर्ट अब शासन को सौंप दी गई है। गृह विभाग को इस पूरी घटना की रिपोर्ट सौंपी गई है। युवाओं पर जो लाठीचार्ज किया गया था, उस लाठीचार्ज को सही ठहराया गया है। शासन से हमको एक आदेश आया हुआ है, जो जांच के उपरांत जांच में ये लाठीचार्ज को सही ठहराया गया है, वो जरूर उतना करके। और दूसरा कुछ इशू है, जो 8 तारीख का जो इंसिडेंट है उसमें कमी पाई गई थी, उसे चलते एक जांच भी करने के लिए शासन ने आर्डर किया हुआ, शासन का आर्डर को फॉलो करेंगे। तो शासन का निर्देश जो है वो तत्काल जहां जिसको करना उनको भेज रहे हैं, और जांच का भी आर्डर हो रहा है। चारधाम यात्रा को ऐतिहासिक बनाने के लिए उत्तराखंड सरकार अभी से तैयारियों में लगी हुई है। सीएम धामी से लेकर मुख्य सचिव खुद हर स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं।